दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से शराब घोटाले मामले में समन जारी किया गया है जिसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के दफ्तर ना पेश होने की वजह लिखित में बताई है उन्होंने ईडी को भेजे लिखित जसाब में कहा पंजाब के होशियारपुर में होशियारेसाना कार्यक्रम में शामिल होना पहले से तय था कार्यक्रम में जाने से एक दिन पहले शाम को मुझे ईडी का समन मिला ईडी का समन लोकसभा चुनाव से पहले सनसनी फैलाने और प्रोपोगंडा के लिए दिया गया है सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि समन का समय बताता है कि इसका उद्देश्य देश में संसदीय चुनाव से पहले सनसनी खेज खबर बनाना है यह स्पष्ट नहीं है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है आपका समन कानून के अनुरूप नहीं है इसके साथ ही केजरीवाल ने समन की तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वहीं आपकी नेता ये आतिशी ये ने समन के, के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है भारतीय ये का समन नहीं है यह किसी इन्वेस्टिगेशन का समन नहीं है भारतीय जनता पार्टी का समन है यह भारतीय जनता पार्टी के डर का प्रतीक है लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को यह बताना चाहती हूं कि हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो हम यहां के लोगों के लिए काम करते रहेंगे और देश भर में आम आदमी पार्टी का संगठन आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती रहेगी और अगर आप इस तरह से झूठे आरोप लगा लगा के नेताओं को जेल में डालोगे तो इसका जवाब आपको देश की जनता देगी समन को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा 2 नवंबर को ईडी ने शराब नीति घोटाले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को समन किया था हाल फिलहाल में हमने दो घोटाले देखे हैं मैं पहले ही कह चुका हूं कि इंडी गठबंधन को जोड़ने वाला फेविकॉल शराब है कि दो नवंबर को शराब घोटाले को लेकर एक्साइज पॉलिसी के स्कैम को लेकर अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल एजेंसीज ने ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया था कि अरविंद जी आइए हम बैठेंगे आमने सामने आपसे सवाल जवाब करेंगे और ये जो करोड़ों का घोटाला हुआ है और जहां तक करोड़ों का घोटाला हुआ है ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नाते हम नहीं कह रहे हैं गिनती अभी तक चल रही है दो घोटाले हमने देखे हैं हाल फिलहाल में मैंने क्यों कहा कि इंडी अलायंस को जोड़ने वाला फेविकॉल शराब है और जहां तक केजरीवाल जी के शराब का हिसाब किताब है अभी तक गिनती चल रही है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के समय रिजेक्ट करने के समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देर इज एन एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल दरअसल ईडी के सामने पेश होने के बाद एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल अपने तय कार्यक्रम विपसाना में शामिल होने के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंच गए वह होशियारपुर में 23 दिसंबर 2023 तक ध्यान में लीन रहेंगे बता दें कि इससे पहले केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया था उस समय भी नोटिस को गैरकानूनी और राजनीतिक से प्रेरित बताकर ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं पेश हुए थे अब देखना यह है कि इस बार ईडी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी